दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी के बारे में अब तक काफी कुछ बातें हो चुकी हैं। कईयों को इनकी जोड़ी क्यूट लगती है तो कुछ लोगों को उनके एज डिफरेंस से प्रॉब्लम है। इनकी प्रेम कहानियों के बारे में अब तक तो हमने सोशल मीडिया और उनके दोस्तों की जुबान से सुना था, लेकिन पहली बार प्रियंका और निक जोनस ने एक मशहूर मैगजीन को अपनी पूरी लव स्टोरी बताई। दोनों कब मिले थे, प्यार कैसे हुआ था और शादी के बाद कैसे उन्होंने स्वागरात मनाई थी, ये सारी बातें दोनों ने खुलकर बताई। निक जोनस के बारे में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि मैं निक से उम्र में काफी बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको ओल्ड मैन बुलाती हूँ। प्रियंका ने बताया कि निक ने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था कि प्रियंका क्वांटिको में जबरदस्त माल है, वो दोस्त मेरे साथ क्वांटिको में काम करता था। निक ने फिर ट्विटर पर प्रियंका को एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था कि मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलना चाहिए। प्रियंका ने इस मैसेज को पढ़ा और टेंशन में आ गई। मैंने निक को वापस मैसेज किया कि ये मैसेज मेरी पूरी टीम पढ़ सकती है, तुम मुझे फोन पर मैसेज क्यों नहीं करते। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर मैसेज का सिलसिला चल पड़ा। फिर उनकी बात होने लगी। अब प्रियंका चोपड़ा निक से मिलने के लिए तड़प उठी थी और उन्होंने निक जोनस को अपनी पहली डेट पर बुलाया और खूब मजे लिए। अपनी पहली डेट के बाद प्रियंका ने निक को घर बुलाया, जहां दोनों ने अच्छे से समय बिताया। घर में उनकी मां मधु चोपड़ा भी मौजूद थी। इस मुलाकात को लेकर निक जोनस ने बताया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। प्रियंका ने कहा कि निक ने बस थोड़ी देर तक मेरी पीठ पर हाथ फेरा था। निक ने तुरंत कहा कि ये आज भी इस बात से खपा है। निक जोनस ने कहा, मैंने बस किस इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारी माँ वहाँ मौजूद थी। निक ने कहा कि मैं उसी वक्त तय कर चुका था कि मैं प्रियंका से ही शादी करूँगा और मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में बता दिया। आज हम दोनों एक शादीशुदा कपल हैं। बातों ही बातों में प्रियंका ने निक जोनस की कुछ गंदी हरकतों के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निक सेक्स के मामले में एकदम बच्चा है, मुझे अभी निक के साथ काफी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि निक और प्रियंका के बीच शादी की पहली रात को क्या हुआ था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।